तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एमसीक्यू लेक्चर। एमसीक्यू लेक्चर में जाने से पहले आपको कुछ बातें जो कि ध्यान में रखनी है, वो बातें क्या है देखिए, जैसे ही एमसीक्यू आपके सामने आएगा पहले खुद सॉल्व करके देखना है आपको। ऐसा नहीं कि मेरे भरोसे रहना है कि वीडियो को चालू कर रखा है और आंसर देखने की कोशिश कर रहा है, ऐसा नहीं करना है। जैसे ही एमसीक्यू स्क्रीन पे आए वीडियो को पॉज कर देना है और देखना है वहां पे आपको कि उसका आंसर क्या हो सकता है, खुद सोचना है, बाद में आंसर देखना है, ठीक है। इसमें मैं क्या कवर करने वाला हूँ, 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज कवर करने वाले। ये जो है नीट वाले बच्चे भी देख सकते हैं, उनका रिवीजन हो जाएगा अगर उन्होंने रिवीजन करना चाहते हैं। तीनों का मिक्सचर आपको यहाँ पे मिल रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही है कि तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तीनों का मिक्सचर आपको यहाँ पे मिल रहा है। एमसीक्यू नंबर वन क्या है, एमसीक्यू नंबर वन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर बोथ, दोनों ही मेल और फीमेल फ्लावर होंगे उसके अंदर। मान लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं एक फ्लावर है, उसके अंदर मेल पार्ट भी है, उसके अंदर मेल पार्ट भी है और उसके अंदर फीमेल पार्ट भी है, ऐसा एक फ्लावर है। द प्लांट आर बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर बोर्न ऑन द सेम प्लांट भी सेम है एंड द मोड ऑफ पॉलिनेशन कैन बी गाइटोनोगैमी और जीनोगैमी। गाइटोनोगैमी क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक फ्लावर है और उसी प्लांट पे कोई दूसरा फ्लावर है, तो अगर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाता है, मतलब फ्लावर इज डिफरेंट बट प्लांट इज सेम। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था, डिफरेंट फ्लावर होते हैं, फ्लावर डिफरेंट है पर प्लांट जो है सेम है। ये जो हो गया, दो अलग अलग फूल है लेकिन एक ही प्लांट है, तो इसे कहते हैं गाइटोनोगैमी। जबकि अगर मान लीजिए क्या हो यहाँ पे, जीनोगैमी क्या होता है, जो कि क्रॉस पॉलिनेशन होता है। अलग अलग प्लांट होंगे अगर, तो अलग अलग प्लांट होंगे तो डिफरेंट फ्लावर भी होंगे ऑब्वियसली, ये भी पता ही बात। तो वहां से जो है वो पॉलिनेशन जो होता है, डिफरेंट प्लांट पे होता है उसको हम कहते हैं जीनोगैमी। तो ये हो गया जीनोगैमी, ये हो गया गाइटोनोगैमी। तो ये पूछ रहे हैं ऐसा प्लांट का नाम बताया जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों होता है और जो कि जिसमें मोड ऑफ पॉलिनेशन गाइटोनोगैमी भी हो सकता है, जीनोगैमी भी हो सकता है। इसका आंसर है मेज इसका आंसर है। अच्छा, एनसीईआरटी में एक और एग्जांपल दे रखा है कैस्टर, तो उसको भी याद कर लेना, कैस्टर भी इसका एग्जांपल है, कैस्टर भी इसमें आता है। मेज तो याद रखना है और कैस्टर भी याद रखना है, एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है। दूसरा एमसीक्यू है, चूज द ऑप्शन दैट गिव द करेक्ट नंबर ऑफ पोलन ग्रेन। क्या बताना है हमें, नंबर ऑफ पोलन ग्रेन बताने हैं, यानी पोलन कितने बनते हैं, दैट विल बी फॉर्म्ड, जो कि बनेगा कब, जब 325 माइक्रोस्पोर मदर सेल, 325 माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो डिवाइड करेगी तो पोलन बनेगा कितना। तो पहले ये बात तो पता हो कि जब एक माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड करती है तो माइक्रोस्पोर जेनेसिस के दौरान कितने पोलन ग्रेन बनते हैं, तभी तो बता पाएंगे 325। जब एक ही नहीं पता होगा तो 325 कैसे बताएंगे। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, देखिए जब एक माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है तो वो क्या करती है, वो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाती है, ये हमने देखी थी ये बात, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाती है। वो टेट्राड में कितने होते हैं, ये आगे जाके अलग अलग चार पोलन बनते हैं, ये आगे जाके अलग अलग चार पोलन बनते हैं। तो एक से बनते हैं चार, अब थोड़ा सा मैथ्स लगाना पड़ेगा बायोलॉजी के अंदर भी, तो एक से बनते हैं चार, तो अगर एक से चार बनते हैं तो 325 से कितने बनेंगे, 325 को हमें चार से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आंसर आ जाएगा ये 1300। अब मुझे ऑप्शन में देखना है या नहीं, 1300 ए बी सी, हाँ ये रहा ऑप्शन में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर थ्री है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है ये पता है ना, सेल्फ पॉलिनेशन इज फुली इंश्योर्ड इफ, मतलब कि फुली इंश्योर्ड का मतलब होता है कि होगा, जरूरी है होगा उस वक्त, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन कब होगा, ऑप्शन ए द फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, यानी एक हर एक ऑप्शन को देखते हैं। अगर आपको सॉल्व करना है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर सॉल्व करके देखिए, पॉज कर लो वीडियो, ठीक है। अब देखिए मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, हम एक एक करके सभी को डिसेक्ट करके देखेंगे और थ्योरी को रिकॉल करेंगे। द फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, पहली बात उन्होंने बोली द फ्लावर इज बाइसेक्सुअल। अच्छा, मान लीजिए फ्लावर बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल मतलब क्या कि उसमें स्टिग्मा स्टाइल ओवरी भी है और उसमें एंथर वाला पार्ट भी है, यानी कि उसमें मेल वाला पार्ट भी है और उसमें फीमेल वाला पार्ट भी है, तो ये हो गया बाइसेक्सुअल फ्लावर। अच्छा, क्या ये जरूरी है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा तभी जा करके वो सेल्फ पोलिनेशन होगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है इसमें जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी में से जो स्टिग्मा है वो ऐसा हो कि ऊपर हो, यानी कि आप जैसे इमेजिन कीजिए कि ये ओवरी है, ये स्टाइल है, ये स्टिग्मा है, बट एंथर जो है वो नीचे ही रह गया,
तो क्या इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो पाएगा? इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होना मुश्किल है, तो सेल्फ पॉलिनेशन इसमें होना मुश्किल है, तो जरूरी नहीं कि फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा तो इंश्योर्ड हो पाएगा सेल्फ पॉलिनेशन, तो ये आंसर नहीं है, ये गलत है। स्टाइल इज लॉन्गर देन फिलामेंट, अच्छा कह रहे स्टाइल इज लॉन्गर देन फिलामेंट, क्या ये यही कंडीशन हो गई? अरे क्या ये यही कंडीशन हो गई? ध्यान से देखो समझो, क्या ये यही कंडीशन है कि स्टाइल जो है वो लॉन्गर हो गया फिलामेंट से? यही कंडीशन तो है, तो ये भी आंसर नहीं है। ठीक है, द फ्लावर इज क्लिस्टोगैमस, क्लिस्टोगैमस मतलब फ्लावर क्या होता है? ऐसा फ्लावर जो कि बंद हो, क्लिस्टो हो, जैसा कि आपने थ्योरी लेक्चर देखा होगा तो उसमें पता चला होगा कि क्लिस्टोगैमस यानी ऐसा फ्लावर जो कि बंद हो उसे कहते हैं। तो ये भी ये हो सकता है कि इसका आंसर हो, देखते हैं अभी इसको थोड़ा और अच्छे से, बट डी ऑप्शन को देखते हैं। द टाइम ऑफ पिस्टिल, पिस्टिल यानी कि फीमेल पार्ट, एंथर यानी मेल पार्ट, मैच्योरिटी इज डिफरेंट, दोनों की मैच्योरिटी अलग अलग टाइम पे हो रही है। अच्छा, दोनों की मैच्योरिटी अलग अलग टाइम पे हो रही है, एक पहले मैच्योर हो गया और एक अभी मैच्योर ही नहीं हुआ है, तो क्या उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो पाएगा? नहीं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, बच गया ये आंसर। अब इसको समझते हैं ये आंसर कैसे है, ये क्लिस्टोगैमस, द फ्लावर इज क्लिस्टोगैमस, ये वाला आंसर कैसे है सही, ये वाला आंसर सही कैसे है? तो देखिए, क्लिस्टोगैमस मतलब क्या होता है? बंद फ्लावर, ऐसा फ्लावर जो कि बंद है। अगर वो बंद होगा, एक बात बताओ, कोई फ्लावर है अगर बंद है तो उसी के अंदर स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होगा और एंथर भी होगा उसी के अंदर, तब तो पक्का है ना कि सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, फिर तो हम कोई ऑप्शन और दे नहीं सकते, तो सेल्फ पॉलिनेशन ही होना है वहां पे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, स्टॉप कर लो वीडियो, सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है, इन अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, कैसा ओव्यूल? फर्टिलाइज्ड मतलब फर्टिलाइजेशन हो चुका है, ये चीज याद रखना। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल में एक एंजियोस्पर्म के द सेल्स इन विच N2N3N कंडीशन आर रिस्पेक्टिवली अकर आर, एक बार ना बिना ऑप्शन को देखे एक बार हम रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, हमने जो डायग्राम हमने पढ़ा था उसको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। फर्टिलाइज ओव्यूल में क्या होता है, हमें एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। अगर यहाँ पे तीन सेल होती है, तीन एंटीपोडल सेल होती है, दो यहाँ पे सिनर्जिड सेल होती है, एक एक्स सेल होती है, दो पोलर न्यूक्लियाई सेल होते, पोलर न्यूक्लियाई होते हैं यहाँ पे, और तो ये टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सेल, 8 न्यूक्लियट हो जाते हैं, 8 न्यूक्लियट, और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेल हो जाते हैं, 7 सेल, तो 7 सेल 8 न्यूक्लियट कंडीशन इसको बोलते हैं, बात में पता है। तो इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के टाइम एक सेल जो है वो यहाँ पे जाके फ्यूज करता है तो 3N बनाता है, और ये 3N क्या था बताओ जल्दी से, क्या था ये? एंडोस्पर्म था ये, हाँ ये जो 3N था ये एंडोस्पर्म था, ये 3N जो है वो एंडोस्पर्म था, और जो यहाँ पे जाकर के फ्यूज हुआ था एग वाले से वो क्या बना था, वो 2N बना था, यानी कि जायगोट बना था, तो वो क्या था जो 2N बना था वो क्या था, जायगोट। तो एक बार हम ये देख लेते हैं कि ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, ऑप्शंस देखिए, जायगोट एंडोस्पर्म, जायगोट एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म जायगोट, और इन तीनों में सब में ये है। तो एक बार देख लेते हैं, एंटीपोडल सेल क्या होती है, एंटीपोडल सेल जो होती है वो एन होती है, जो एंटीपोडल सेल है ये तो सिनर्जिड है, एन एन, और ये भी एन, ये भी एन एन एन, तो सारी की सारी एन है, तो एंटीपोडल जो है वो एन है। ठीक है, जायगोट जो है वो 2N है वहां पे देखिए, और जो एंडोस्पर्म है वो 3N है, और इन्होंने पूछा भी यही है कि एन 2N और 3N रिस्पेक्टिवली पूछा है, तो क्या यही आंसर हो गया? हाँ यही आंसर हो गया। एमसीक्यू नंबर 5 क्या है, वो है सेलेक्ट ऑप्शंस वेयर एबीसी, एबीसी को पहचानना है करेक्टली लेवल्ड, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो डायग्राम बनाया है रफ डायग्राम बनाया हुआ है, एक्चुअल डायग्राम आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाएगा। सेलेक्ट ऑप्शंस वेयर एबीसी आर करेक्टली लेवल्ड, तो देखिए ध्यान से, ये जो है ये साइड में जो निकल रहे हैं डेहिसेंस हो रहे हैं ये तो पोलन ग्रेन है, इतना आपको समझ आना चाहिए कि ये पोलन ग्रेन है, पहले आपको पोज करके ट्राई करना है खुद, पोलन ग्रेन है, फिर अगर ये ध्यान से देखें तो ये लेयर है इनकी, तो ये कहीं एंडोथीशियम तो नहीं है, हो सकता है कुछ भी हो, एंडोथीशियम है ये, पर क्योंकि इन्होंने ऑप्शन में सिर्फ एंडोथीशियम ही दे रखा है, वो भी सारे ऑप्शंस में, और ये ए क्या है, ए यहाँ से कनेक्ट होता है तो ये कनेक्टिव है, क्या है ये, कनेक्टिव। तो अब देख लेते हैं कनेक्टिव एंडोथीशियम पोलन ग्रेन किस में है, कनेक्टिव एंडोथीशियम पोलन ग्रेन ऑप्शन पहले वाले में ही है, बाकी सब में देखिए अलग अलग है, तो ऑप्शन ए इज द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, एमसीक्यू नंबर 5 क्या है, सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन फॉर डेवलपिंग, डेवलपिंग डाइकोट एम्ब्रियो के लिए करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है इसके लिए। तो एक बार इस डायग्राम को एक बार रिकॉल कर लेते हैं फिर से, ये डाइकोट एम्ब्रियो का डायग्राम है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो दो निकल रहे हैं साइड में, क्योंकि डाइकोट है
तो दो कोटिलेडन होते हैं, तो इसीलिए ये कोटिलेडन है, ये जेड वाला कोटिलेडन है, जेड वाला कोटिलेडन। ये देख लेते हैं जेड किस में कोटिलेडन लिखा हुआ है, एक तो इसमें लिखा हुआ है, बस इसी में लिखा हुआ है। लो मिल गया आंसर, खत्म बात। बाकी सबको पहचानने की जरूरत नहीं, ये कोटिलेडन समझ आ रहा तो काम खत्म हो गया। एक बार फिर भी देख लेते हैं, ये हमें पता है कि सस्पेंसर है, सस्पेंसर यानी जिससे सस्पेंडेड है यानी लटका हुआ है वहां से, तो वाई सस्पेंसर है। और ये जो है ये रेडिकल होता है, आप डायग्राम में अच्छे से देख लो आपको पता चल जाएगा, एनसीईआरटी खोल लो भाई और डायग्राम देख लो, उसमें पता चल जाएगा आपको ये रेडिकल है। और ये जो है ये प्रिम्यूल है, ये प्रिम्यूल है, तो एक्स प्रिम्यूल है और वाई सस्पेंसर है और जेड कोटिलेडन है, वो तो हम पहले पहचान लिए, और यू रेडिकल है, ठीक है, यू हो रहा ये रेडिकल है यू। तो इस तरह से हमें समझ आ गया, ये भी एमसीक्यू हमने सॉल्व कर लिया। अब बात करते हैं, ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं, अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक की बात हो रही है, जब वो मैच्योर हो जाता है तो कैसा होता है। तो देखिए जब वो मैच्योर हो जाता है, हमें याद है वो मैच्योर हो जाता है तो कैसा दिखता है, ऐसा कुछ दिखता है वो, एक दो तीन सेल्स यहाँ पे होती है, ये सिनर्जिड्स होती है, सॉरी ये एंटीपोडल होती है, एंटीपोडल होती है, ये एंटीपोडल वाली सेल होती है तीन सेल्स, और यहाँ पे ये जो है पोलर न्यूक्लियर की सेल होती है, पोलर न्यूक्लियर होते हैं ये, और यहाँ पे सिनर्जिड होता है दो, जैसा कि पता है ये सिनर्जिड है दोनों, और यहाँ पे ये एक्सेल होता है। तो इसकी बात कर लेते हैं, तो इसमें ध्यान से देखिए क्या है, हमने पढ़ा था ना कि इसमें एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ न्यूक्लियस होते हैं, तो आठ न्यूक्लियस किस किस में लिखा है, एक इसमें लिखा है और एक इसमें लिखा है, तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन है। अच्छा क्या आठ सेल थे, नहीं तो वो तो सात सेल थे, मिल गया आंसर, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 8 क्या है, एमसीक्यू नंबर 8 में बोला है इन वॉटर हाइसिंथ, वॉटर हाइसिंथ और वॉटर लिली, कुछ याद आ रहा है वॉटर हाइसिंथ और वॉटर लिली को देख के। हाँ मुझे तो याद आ रहा है भाई, देखो अगर तुम्हें भी याद आ रहा है तो धोखेबाज। ये जो है वॉटर हाइसिंथ और वॉटर लिली धोखेबाज है, याद आया ना, पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय, अरे लो पॉलिनेशन ही पूछ लिया इन्होंने, पॉलिनेशन में तो हमने पढ़ा था धोखेबाज इसको, तो पॉलिनेशन कैसे होता है इसमें, अरे नाम में क्या है वॉटर है, नाम में वॉटर है ना, तो वॉटर से तो होगा ही नहीं, तो किस किस ऑप्शन में वॉटर है उसको काट देते हैं, वॉटर करंट मतलब वॉटर ही तो हुआ तो ये तो नहीं है, विंड एंड वॉटर फिर वॉटर आ गया तो ये भी नहीं है, फिर वॉटर आ गया तो ये भी नहीं है, बच गया ये। और यही आप देखेंगे एनसीईआरटी में भी दे रखा है कि वॉटर से पॉलिनेट नहीं होता है, इंसेक्ट या विंड से होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इन सम मेंबर, सम बोला था ना, सम वर्ड पे ध्यान देना है, सम मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फैमिलीज, कौन सी फैमिली ऐसी होती है पोलन ग्रेन की वायबिलिटी मंथ तक रहती है, क्या याद है 30 मिनट तक इसकी रहती है, मंथ तक किसकी रहती है, ऐसे करके हमने पढ़ा था 30 मिनट तक कुछ सीरियल्स की रहती है, जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, पैटी हो गया, जबकि जो मंथ तक रहती है वो किसकी रहती है, सोलनेसी, रोजेसी और लेगुमिनेसी, ये फैमिली थी अगर याद हो तो आपको, तो देखते कहाँ है। अच्छा एक बात बताओ, पोएसी लिख रखा है, पोएसी कोई था, नहीं भाई पोएसी तो नहीं था, पोएसी था नहीं था, देखो सब में पोएसी दे रखा है, बच गया रोजेसी और लेगुमिनेसी, अच्छा सोलनेसी भी है, ये बात तो आपको पता होगी जैसे कि हमने थ्योरी लेक्चर में कवर किया था इसके पिछले वाले लेक्चर में, तो रोजेसी, लेगुमिनेसी और सोलनेसी इसका आंसर है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, पोलन ग्रेन कैन बी स्टोर्ड, पोलन ग्रेन को स्टोर कर सकते हैं कुछ सालों तक लिक्विड नाइट्रोजन में, कुछ याद आ रहा है टेम्परेचर वगैरह, मैं अभी भी दिखाऊंगा, कुछ याद आ रहा है टेम्परेचर वगैरह, -196 डिग्री सेल्सियस याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ -196 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर किया जाता है, आंसर आ गया खत्म। तो ये तो डेटा वाला सवाल था, इसको डायरेक्ट याद रखना था आपको कि -196 डिग्री सेल्सियस हो। एमसीक्यू नंबर 11 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पिंग इन प्रिजर्विंग पोलन एज फॉसिल, मतलब याद करो अगर पोलन ग्रेन को, अगर मुझे पोलन ग्रेन को क्या करना है, मुझे प्रिजर्व करके रखना है बहुत टाइम तक, तो कौन था वो सबसे स्ट्रॉन्ग जो कि जिसके ऊपर ना कोई एसिड एल्कली एंजाइम कोई असर नहीं कर सकता था, कौन था वो जिसकी वजह से प्रिजर्व हो सकता है, क्या वो स्पोरोपोलिनिन था, हाँ वो स्पोरोपोलिनिन था, तो स्पोरोपोलिनिन ऑप्शन में ढूंढते कहाँ है, ये रहा स्पोरोपोलिनिन, बाकी के ऑप्शन भी एक बात एक चेक कर लेते हैं, पोलन किट यानी इसमें पोलन स्टोर होता है तो वो तो हो ही नहीं सकता, उसकी वजह से थोड़ी ना पोलन ग्रेन को हम फॉसिल के रूप में रखते हैं, सेलुलोजिक इंटाइन, हाँ इंटाइन सेलुलोज की बनी होती है बट उसकी वजह से ऐसा कुछ नहीं होता, ऑयल कंटेंट, ऑयल तो डिग्रेड कर देगा बड़ी आसानी से, ऑयल फैट होता है तो उसको डिग्रेड कर देंगे, उसका रेसिस्टेंस भी होता है उसको डिग्रेड कर देंगे हम, बट स्पोरोपोलिनिन के लिए आज तक कोई भी ऐसा एंजाइम नोन नहीं है जो कि उसको डिग्रेड कर दे, तो इसका आंसर स्पोरोपोलिनिन है। अब देखते हैं एमसीक्यू नंबर 12,
ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू, ओव्यूल जो है वो क्या होता है, टेक्निकली किसके इक्विवेलेंट होता है, यानी टेक्निकली इसको हम क्या बोलते हैं, ये पूछा जा रहा है। क्या हम उसको मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं, अभी देखते हैं। क्या मेगास्पोरोफिल बोलते हैं, मेगास्पोरोफिल क्या होता है, मेगास्पोरोफिल बड़ी पत्ती की तरह होती है, तो ये तो आंसर नहीं है। मेगास्पोर मदर सेल होता है, नहीं, ओव्यूल मेगास्पोर मदर सेल से बनता है लेकिन मेगास्पोर मदर सेल थोड़ी ना होता है वो। मेगास्पोर होता है, नहीं मेगास्पोर नहीं होता, मेगास्पोरेंजियम होता है, हाँ वो मेगास्पोरेंजियम होता है, बल्कि एक्चुअल में अगर हम ध्यान से समझे तो वो इंटेगुमेंटेड, इंटेगुमेंटेड मतलब कवर्ड, इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम होता है एक्चुअल में वो, अगर ध्यान से देखें हम तो। अब एमसीक्यू नंबर 13 की बात करते हैं, एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। मैंने बताया था बंद फ्लावर जो होता है उसे क्लिस्टोगैमी फ्लावर कहते हैं, जो बंद होता है, तो उसका फायदा क्या है, उसका एडवांटेज क्या है, फायदा ये, एक बार ध्यान से समझना बहुत अच्छे से। क्लिस्टोगैमस फ्लावर यानी बंद होगा, अगर वो फ्लावर बंद होगा, मान लीजिए हाँ वो बंद ही है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो है बंद है, अगर वो बंद है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसमें जो है पॉलिनेशन अंदर ही हो सकता है, उसको किसी पॉलिनेटर पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं कि कोई आएगा इंसेक्ट और फिर वहां से पोलन गेन दूसरे पे ले जाएगा, कोई ऐसा जरूरी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या करना है, उसको जो है वो अंदर ही, जब वो बंद रहेगा तो अंदर ही वो पॉलिनेशन को कर सकता है, उसको दूसरे पे डिपेंड लेने की जरूरत नहीं है, तो यानी कि नो डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर, ये तो इसकी खास बात है। अच्छा कह रहे वीवी पैरी, तो यही आंसर है, वीवी पैरी, वीवी पैरी मतलब कि वीवी पैरी यानी कि एक तरह से ऑफ स्प्रिंग को, नए ऑफ स्प्रिंग को बनाना, तो ऐसी बात तो नहीं है, ये इसका फायदा थोड़ी ना, ऑफ स्प्रिंग तो सभी बनाते हैं। अच्छा हायर जेनेटिक वेरिएबिलिटी, जेनेटिक वेरिएबिलिटी थोड़ी ना होती, जेनेटिक वेरिएबिलिटी तो तब होगी ना जब दो प्लांट्स के बीच में होगा, तभी तो होगी जेनेटिक वेरिएबिलिटी। ये जेनेटिक वेरिएबिलिटी कहाँ हुई, ये तो उसी प्लांट में हो रहा है ना, क्लिस्टोगैमस तो बंद है उसी में हो रहा है, और तो ये भी आंसर नहीं है। और कह रहे हैं मोर विग्रस ऑफ स्प्रिंग, यानी कि ऑफ स्प्रिंग जल्दी बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, तो इसका आंसर क्या है, नो डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर, पॉलिनेटर पर डिपेंडेंट है। अब बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 14 की, नॉन एल्बुमिनस, नॉन एल्बुमिनस मतलब एक्स एल्बुमिनस भी, उसी को नॉन एल्बुमिनस कहते हैं। तो नॉन एल्बुमिनस सीड्स कौन से होते हैं, जो कि ऐसे सीड्स होते हैं वो जिसमें एंडोस्पर्म पूरी तरह से पूरा कंज्यूम हो जाता है, वो होते हैं एक्स एल्बुमिनस या नॉन एल्बुमिनस सीड होते हैं वो, जिसमें एंडोस्पर्म पूरी तरह से कंज्यूम हो चुका है। तो उसका एग्जाम्पल क्या है, मेज कैस्टर वीट, ये तो एल्बुमिनस है भाई, ये तीनों एग्जाम्पल नहीं है, आंसर है पी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, द पॉली एम्ब्रियोनी कॉमनली अकर्स इन, पॉली एम्ब्रियोनी कॉमनली अकर्स इन, कहाँ होता है पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली एम्ब्रियोनी यानी कि एक तरह से मान लो बहुत सारे बीज, ऐसे इसको इमेजिन कर सकते हो आप, बहुत सारे बीज, तो क्या है ये कहाँ होती है, सिट्रस में होती है, ठीक है, सिट्रस में देखा भी होगा आपने, बहुत सारे बीज होते हैं, अच्छा बीज बहुत सारे तो टोमेटो में भी होते हैं आप ये बोलेंगे, तो इसमें एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दे वो सिट्रस दे रखा है, तो सिट्रस आपको याद रखना है।